गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग HTML की फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं। फ्रेंड, इससे पहले हमने सीखा कि किस तरीके से HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार होता है। उसके साथ साथ हमने ये सीखा कि किस तरीके से मैन्युअली कोडिंग के थ्रू इमेज सेट किया जाता है, और साथ ही साथ हमने सीखा कि इमेज किस तरीके से उसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमने ये सीखा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट किस तरीके से सेट किया जाता है, बस का फॉन्ट का साइज़ किस तरीके से बढ़ाया घटाया जा सकता है। साथ ही साथ हमने सीखा कि कलर का किस तरीके से टेक्स्ट का किस तरीके से कलर चेंज किया जा सकता है, और आज हम लोग फ्रेंड्स सीखेंगे कि किस तरीके से बैकग्राउंड चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि बैकग्राउंड में किस तरीके से सेट किया जाता है और किस तरीके से बैकग्राउंड का कलर चेंज किया जा सकता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमको बॉडी में एडिट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, ये बॉडी है। बॉडी में हम लिखेंगे बैकग्राउंड BG कलर स्पेस इक्वल टू स्पेस इन्वर्टर कॉमा में हम कलर देते हैं ग्रीन कलर दिया हमने। अब इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। चल के हम देखते हैं क्या इसमें चेंज आया। रिफ्रेश मारते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। तो आज ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बैकग्राउंड चेंज किया जाता है कलर इसका। इसके साथ साथ ही अब हम एक और चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमको बॉडी में ही एडिट करना पड़ेगा। तो ये हम पिछली वाली हटा देंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड इक्वल टू, यहाँ पे हम जो इमेज सेट करना चाहते हैं उस इमेज का नाम लिखेंगे। मैंने एक डेस्कटॉप पर एक इमेज सेट कर रखी है, आप देख सकते हैं मेरी इमेज। मैंने डेस्कटॉप पे ये इमेज सेट कर रखी है। तो इस इमेज को हम बैकग्राउंड में लगाएंगे, तो देखते हैं किस तरीके से सेट करते हैं। चलिए, तो इस बैकग्राउंड इमेज का नाम है इमेज सेकंड डॉट JPG इन्वर्टर को हम अब बंद करेंगे और इसके बाद सेव कर देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या चेंज आया। यहाँ पर रिफ्रेश मारेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में हमारी ये जो इमेज मैंने सेट कर रखी थी वो बैकग्राउंड में लग गई है। तो फ्रेंड्स, आज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बैकग्राउंड में कलर चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी इमेज बैकग्राउंड में किस तरीके से सेट कर सकते हैं। आज बस इतना ही, आज के लिए बस इतनी ही। कल हम इससे कुछ एडवांस चीज़ लेके आएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।